मंडी स्थित डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल पार्टी 2019 का आयोजन किया गया। इस फेयरवेल पार्टी को स्कूली छात्रों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं इस फेयरवेल पार्टी में स्कूली छात्रों में से मिस पर्सनैलिटी, मिस्टर पर्सनैलिटी, साथ ही मिस डीएवी और मिस्टर डीएवी को भी सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य संगीता कपूर ने कहा कि जहां आज एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं दुख भी हो रहा है। संगीता कपूर ने कहा कि वे जो छात्र इस स्कूल को अलविदा कह के जा रहे हैं, वे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ये बात उदासी का भी है और खुश होने का भी है। खुश इसलिए कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर में कदम रखने जा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सौ इसलिए क्योंकि आप इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी छुट्टी निकली यादें आपको किसी के दान का भी होगा या दैट्स ऑल फॉर योर बेटरमेंट। सब कुछ आपके भलाई के लिए था। अगर किसी ने कुछ डांटा डपटा ये सारी यादें आप अपने साथ समझ के ले जाना चाहिए। वहीं आउट गोइंग कक्षा के छात्रों ने भी इस फेयरवेल पार्टी को जहां खुशी बताई है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें दुख भी हो रहा है। उन्होंने अपने जूनियर छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। और आज मुझे मिस डीएवी का अवार्ड मिला है तो इसलिए बहुत खुश हूँ। मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि मैं कभी बनूंगी, तो इसी बनने के लिए, इसी मेहनत के लिए मुझे अब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हम ऐसे ही मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी। और मेरा स्कूल में बहुत ही अच्छा सफर रहा। मैं 6th क्लास में स्कूल में आई थी और अच्छी कुछ खट्टी मीठी बातें बहुत थी स्कूल में जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अपने जो जूनियर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहो, हमेशा मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती है। थैंक यू। आज फेयरवेल हमारे स्कूल का डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं बहुत खुश हूँ। एक तो दुख भी है और खुशी भी है कि हम जा रहे हैं यहाँ से पर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा फेयरवेल हमें प्रेजेंट किया हमारे जूनियर्स ने, वेरी एक्साइटिंग, अच्छे डांस परफॉर्मेंस थे। और लास्ट में जो हमारा ये डीएवी वगैरह हुआ उसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगी, पर मिस पर्सनैलिटी फेयरवेल की, पर स्कूल में रह के टीचर्स के साथ रह के एक अलग सा रिश्ता बना हुआ है जो हम खोना नहीं चाहते, पर अब जाते जाते तो हमें खोना पड़ रहा है। हम दुखी नहीं होना चाहते पर दुख तो है अंदर से भी। जूनियर्स के लिए यही है कि मैमों को इतना परेशान मत करो, हमने बहुत कर लिया। अब मैमों को खुशी दो, उन्हें अच्छे मार्क्स ला के बताओ। हमारा भी यही एम है कि हम टीचर्स को उनका क्रेडिट दें, उन्होंने हमें पूरी साल इतनी मेहनत से पढ़ाया तो हमें उन्हें रिजल्ट देना चाहिए अच्छा, हमें बुरा रिजल्ट नहीं देना चाहिए और उनसे बदतमीजी वगैरह नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।